Sato and General, they have a conversation between us about American person. And now Sato left his home. Sato left his General's house and he went to his house side. Now he was thinking in distance about his wife. Definitely, if he will be conversations about this plan, so definitely his wife will be fear about assistance cause of she have two children. वो सोचने लगता है जब जर्रस के घर को छोड़कर अपने घर की ओर जाता रहता है तो वो सोचता है कि अगर इस बात को वो अपनी वाइफ से शेयर करता है तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाएंगी. होगा क्या, क्योंकि उनके दो बच्चे भी हैं. नाउ फाइनली ही वॉज रीच्ड हिज होम, सो ही वॉज फाउंड दैट अमेरिकन पर्सन वॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन हिज रूम. आफ्टर दैट व्हेन ही वॉज वॉच्ड ही वॉज इन द गार्डन साइड. After that, when he was asked with American persons, he was told that who is giving you permission? Why you come to leave your room and why come to this way? जब उससे पूछता है कि तुम किससे permission लियो, तुम यहाँ पे अपने room को छोड़कर यहाँ क्यों आए? After that, American prisoners told to him, I am not used to waiting for permission. And who said this word? Tom. Tom कहता है कि वो किसी की परमिशन के लिए वेट नहीं कर सकता. बिकॉज ऑफ ही वॉन्ट टू गो एंड ही वॉन्ट टू वॉक, दैट्स बिकॉज ही हैव कम टू दैट्स प्लेस वेयर फाइनली इन इज द होल नाइट ही डिडंट स्लीप. पूरी रात वो नहीं सो पाता. कारण था कि वो एसेसिन्स के बारे में सोचता ही रहता है जो किलर आने वाले थे. किलर आने वाले के कारण होता क्या है कि वो पूरी रात सो नहीं पाता. कभी लगता है कि किसी की पैर की वॉइस आ रही है, तो कभी लगता है कि ब्रांचेस ब्रोक हो रहे हैं. इस तरीके से पूरी रात नहीं सो पाता. सडनली ही वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड ही रेस्ड टू द अमेरिकन पर्सन हिज रूम साइड. ही वॉज फाउंड दैट ही वॉज स्लीप, ही वॉज स्लीपिंग. अब वो देखता है कि अर्ली मॉर्निंग को उठकर जब अमेरिकन के रूम के पास जाता है तो क्या देखता है कि वो अभी भी सो रहा है. फाइनली नाउ आफ्टर दैट ही वॉज वेटिंग second night. So that night was the completely windy night. It is a very fastest wind. That was the completely strong wind. Lots of branches have broken. So many voices come to the room side. After that, everything he was looking at the same things. But the second night have as the same. Nothing have changed. In this time, essence had didn't come his house. अभी भी सेकेंड डे भी क्या होता है, अमेरिकन जीवित था. उसके रात उस रात बहुत तूफानी रात थी. हवा चलने लगती है, ब्रांचेस ब्रोक होते हैं, बहुत सारी वॉइस आती है, लेकिन अभी भी जो अमेरिकन था वो जीवित था. नाउ थर्ड डे इट इज़ अ रेनिंग डे. सेकेंड डे वॉज कम्प्लीटली स्टॉर्म डे, स्टॉर्मी डे. बट थर्ड डे वॉज अ रेनिंग डे. इट्स अ वेरी हाई रेनिंग. सडनली इट्स अ वेरी लाउड नॉइस. Both have heard, which to Hannah and Sadow. After that, Hannah want to check what is this. But Sadow was replied to her. He said that, no, don't go outside. Because he was not the reality. And that time he was feeling, definitely, essence have come to my house. अब उसको लगता ही है कि essence तो आ चुकी है. क्योंकि बहुत अचानक से एकदम जोर से वॉइस आती है. जिस कारण से हैना डर जाते हैं. एटलीस्ट बच्चे दे हैव अ क्राई, रोने लगते हैं. लेकिन हैना क्या होती है, वो बाहर जाना चाहती है लेकिन उसको जाने से मना कर देते हैं. सडनली एवरीथिंग हैव अ फिनिश. इट इज अ वेरी क्वाइट कूल. नाउ हैना एंड शैडो हैव कम टू हिज बेड साइड. बट थर्ड डे हैव अ सेम. आफ्टर दैट शैडो हैव द डिसाइडेड व्हेन ही वाज गो टू द अमेरिकन पर्सन साइड एंड ही टेल टू एवरीथिंग एल्स. बट इट इज नॉट टेल अबाउट द प्लानिंग. सो अमेरिकन पर्सन टोल्ड टू दैट यू आर अ ग्रेट पर्सन. इफ यू आर लाइक एज अदर जापानीज, सो अमेरिका एंड जापान विल बी नेवर फाइट विद ईच अदर. वो कहने लगते हैं जब अमेरिकन पर्सन क्या होता है, अमेरिकन पर्सन के पास जब सैडो जाता है तो
कहने लगता है कि तुम उनका पहले सबसे पहले थैंक यू करता है। आफ्टर दैट जापानीज पर्सन सैडो वाज रिप्लाई टू बेंट हिज हेड, अपने जैसे उसकी कस्टम्स होता है जापान का कि सिर झुकाकर, तो वैसे वो भी करता है। फिर कहने लगता है कि अगर आपके जैसे सभी जापानीज हो तो अमेरिका और जापान के बीच कभी फाइट सी नहीं होगा। नाउ ही टोल्ड अस दैट इट इज अ टाइम टू गो इन वन आइलैंड दे हैव इन दिस टाइम नोबडी हैव लीव। वो एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताता है जहाँ पे कोई नहीं रहता। ही टोल्ड टू हिम आई हैव ऑलरेडी टेक अ वन बोट फॉर यू एंड यू विल बी गो इन देयर टुडे नाइट, डेफिनेटली यू विल बी रीच देयर बट यू विल बी वेट ऑफ कोरियन शिप। इफ कोरियन शिप विल बिकम दैट हैव अ डीप वाटर सो डेफिनेटली यू विल टेक अ शेल्टर एंड डेफिनेटली यू विल बी रीच योर प्लेस बिकॉज ऑफ इफ आई विल बी गिव एज अ शेल्टर इन माई टाउन इन माई होम सो इट इज नॉट फॉर गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो Because of everyone have known about you. अब बताने लगता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं, तुम यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है ना तो मेरे लिए सही है, तो तुम बेहतर होगा या अब तुम गुड पहले से अच्छे भी लग रहे हो, तो तुम आज क्या करो, आज इस जगह को छोड़कर एक दूसरा ही आइलैंड था जो बहुत क्लोज था, पास में ही था, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे कोई तो रहता भी नहीं है, और एटलीस्ट वो एक ऐसा डीप आइलैंड है जहाँ पे डेली क्या होता है कोरियन शिप फिशिंग शिप आता है और उसका हेल्प लेकर तुम जा सकते हो। नाउ ही वॉज द रेडी एटलीस्ट ही वॉज अरेंजिंग एवरीथिंग फूड्स वाटर बॉटल्स एवरीथिंग हैव अरेंज एंड नाउ ही हैज गिव हिज टॉर्च ऑल्सो दे हैव यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हेन दे वेंट टू द अदर पर्सन हाउस, जब घर जाने के लिए दूसरे के घर जाने के लिए जिस टॉर्च का यूज़ किया जाता था वही टॉर्च अभी वो यूज करता है। एंड आपको क्या करता है नाउ एज द लास्ट टाइम सी वॉज द टेलिंग द थिंग्स इफ यू बी रीच्ड देयर एंड यू हैव नीड्स समथिंग सो यू विल बी यूज्ड टू फ्लैश लाइट बट रिमेंबर दैट नॉट अ नाइट इन द सनसेट टाइम। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारा फूड्स या फिर वाटर्स खत्म हो जाता है तो तू क्या करोगे, तो फ्लैश लाइट का सिम्टम दिखाओगे जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम्हें नीड्स है। इफ यू हैव अ रीड इफ यू हैव अ नॉट ए नीड्स इफ यू हैव अ रीच्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम सो यू विल बी यूज ऑफ वन फ्लैश लाइट। कहने लगता है कि अगर तुम सही तरीके से पहुंच जाओगे तो एक फ्लैश लाइट का ही यूज करना। होता क्या है कि जैसे वो वहाँ तो पहुँच जाता है एटलीस्ट अब ये सारी बातें अब क्या करने लगता है वो अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन करता है कि वो उसको प्रॉपरली पहुँचा चुका है। उसके बाद नाउ इट इज अ टाइम टू रीच टू द जनरल सिचुएशन हैव डैमेज कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स हैव कम टू अनदर टाइम्स इन हिज बॉडी। अब दोबारा उनकी प्रॉब्लम होता है, सर्जरीज होने लगता है। So after 12 hours have surgery, he was not telling. But after 1 week, he was telling everything. And what was the thing about the American person? So he told that American person have escaped. वो बताने लगता है कि American person जो था, वो भाग गया है. तो surprise होता है. वो surprise general. Why you not tell me? So he is telling to that it is not. That time, so you can, I can tell you because your situation wasn't good. वो बताने लगता है कि आपका सिचुएशन अच्छा नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो बताने लगता है कि उस समय उसका जो क्रिटिकल सिचुएशन थे वो बहुत ख़राब होने लगते हैं। After that, when he was come to his house, so Hannah told to her husband, "You have come." You have came to her homes for working and already all they all have survived have gone. But after that, Sarah told to his wife, he said that definitely now all servants will be come. वो कहने लगता है जैसे वो Sarah से क्या करता है, Sarah घर पहुँचता है तो उनकी वाइफ है ना उनसे कहती हैं कि अब Yuri काम पे आ चुकी है क्योंकि वो चाहती थी वो अपने हमारे बच्चों को देखना चाहती थी इसलिए
वो यहाँ पे आई है. When they have a served lunch and then she's just like as an Indian culture, she's not eating with her husband. Already she was watching to her husband. अभी भी क्या थी, जैसे हमारे इंडियन कस्टम्स में होता है ना कि हस्बैंड के साथ में भी कुछ टाइम्स वाइफ लंच नहीं करती, वैसे ही क्या करते हैं वो, उनको लंच तो सर्व करती हैं बट वो उनके साथ खाती नहीं और उनके बारे में बात करते रहते हैं. आफ्टर दैट गार्डनर वॉज कम टू हिज वर्क बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज गार्डन बिकॉज ऑफ देर हैव वन फ्लावर्स एंड दे हैव अ लुकिंग एज अ डिसअरेंज्ड फॉर्म. जैसे देखता है गार्डनर आता है तो वो देखता है कि क्या था, जो गार्डन्स के फ्लावर्स थे वो एज डिसअरेंज फॉर्म्स में थे, इसलिए वो उसको अच्छा फील नहीं होता. फाइनली ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बट आफ्टर दैट एवरीथिंग हैव मैनेज्ड. नाउ ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ओल्ड लाइफ एंड नाउ सैडो एंड हाना दे इज लुकिंग टू द वरांडा साइड इन द नाइट टाइम. Any flashlight will become or not, there have missed and first time he observed to the American prisoner. अब क्या होता है, वही बरामदा से वो लोग खड़े होकर सैडो खड़े होकर क्या करता रहता है, अमेरिकन पर्सन की ओर देखता है जहाँ से वो चला गया था और वहीं से जो आया था वो उस मिस्ट में जहाँ से आया था उस साइड देखने लगता है कि कोई flashlight तो नहीं चल रहा है. वो बार बार उन चीज़ों को सोचने लगता है माइंड में एक अमेरिकन पर्सन के बारे में जहाँ से है ना एंड सैडो के लव हुआ था. वेयर प्रोफेसर हाउस एंड हिज वाइफ सी वॉज वेरी टॉकेटिव, एवरी थिंग इन हर माइंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट अमेरिका. अब हर चीज़ क्या होता है, सैडो सोचने लगता है कि उनकी वाइफ से फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात अमेरिका में ही प्रोफेसर हाउस में हुआ था. जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव वुमेंस थी और ये सब चीज़ें क्या करने लगती कि कैसे उतना डिफिकल्टीज फाइंड करते हैं. एटलीस्ट ही वॉज द फाइंड इज द फिंगर वॉज ग्रेट, फिंगर इज यूजिंग फॉर सर्जन, ही वॉज अ ग्रेट सर्जन ऑल्सो. हर चीज़ों को बाद में वो क्या करने लगता है, सोचने लगता है. एटलीस्ट इज द लाइफ इज द बेटर टू लीव, भले उनकी लाइफ का बात थी लेकिन वो उसको क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. अब इन चीज़ों को याद करते रहता है. He's known about the prisoner also. Prisoner के बारे में उनको बहुत अच्छे से याद था. Finally, वो सोचने लगता है. Strange thought. अचानक से उनको different thought आता है. I wondered why could they not kill him. Not killing it means using for American persons because he was said to his enemy. But he want first time in his mind. Come to the thought about we will kill him as assassins or anything else, but he didn't kill him. लेकिन उसको मारा नहीं था. That's cause in his mind lots of thoughts come to his mind. इसीलिए उनके दिमाग में बहुत सारे thoughts आने लगते हैं कि उन्होंने उस stranger persons को क्यों नहीं मारा, because of he was his enemy, क्योंकि वो उसका दुश्मन था. अब दुश्मन होने का reason क्या था, he was an American man and every American person was an enemy of Japan. क्योंकि सब जितने भी American persons थे वो Japanese के क्या थे, enemy थे. After this our chapter the enemy have finished here. Thank you.